Subscribe and click the bell icon for television updates. देखिए, खुशी एकदम वैसी ही हो रही है जैसे आपके भाई के बेटे के जन्म के 15 साल हो गए हों। तो स्वास्तिक कंपनी तो सिद्धार्थ तिवारी और राहुल तिवारी की है, लेकिन हम लोग को भी हमेशा ऐसा फील कराया जाता है कि हम भी इस कंपनी के मालिक हैं, हम लोग भी शेयर होल्डर हैं। तो ये हम सबका साझा एक सेलिब्रेशन है, इतना ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं ये लोग हमें। स्वास्तिक के साथ आपकी कुछ मेमोरीज? एक हो तो बताऊँ, 14 साल, 15 में से 14 साल मैंने इनके साथ में काम किया है। सो मेमोरीज तो इतनी सारी हैं कि मैं अगर बताने जाऊं तो वो 14 साल ही लग जाएंगे। अरे, शो के बारे में बताएंगे, आपने कौन कौन से शोज किए हैं स्वास्तिक के साथ? मेरा पहला शो था माता की चौकी, और पहचान मिली मुझे इनके साथ में जब मैंने कर्म फलदाता शनि शो किया। हालांकि महाभारत इनका बड़ा हिट शो था, उसमें मैंने एक कैमियो किया था बलराम का, तो लोग आज भी बलराम दाऊ के हिसाब से जानते हैं। लेकिन जो शनि में मैंने महादेव का कैरेक्टर किया, और फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस में चाणक्य की भूमिका निभाई, वो शोज़ मेरे लिए फिर ऐसे हो गए कि अब लोग मुझे सिर्फ इन्हीं दो कैरेक्टर से जानते हैं। ओके, इतनी बड़ी जर्नी रही है, इस जर्नी की कोई एक बेस्ट मेमोरीज जो आपको अभी तक याद है, कुछ ऐसी ही घटना हो कुछ? हाँ, पोरस सीरियल में पहले पोरस आया था, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आया था। पोरस के लिए जब ऑडिशन दिया था मैंने चाणक्य के रोल के लिए, तो वो सीन अच्छा लिखा हुआ नहीं था ऑनेस्टली, और मैं ठीक से कर नहीं पाया। तो सिद्धार्थ को बड़ी उम्मीदें थी, और सिद्धार्थ इन लोगों को किसी को पसंद नहीं आया था। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने मुझे बुलाया और बोला कि यार तरुण, हमें वो अच्छा नहीं लगा। तो मेरा तो दिल बैठ गया, क्योंकि मैं वो रोल बहुत दिल से करना चाहता था, बचपन से रोल करना चाहता था। तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी को देनी होगी तो दे गई। और यकीन मानिए, मैंने मन में सिर्फ भगवान से कहा, भगवान प्लीज़ ये रोल मुझे करना है। और अगले ही सेकेंड सिद्धार्थ के मुँह से निकला, लेकिन रोल तू ही करेगा। तो मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कैसा फील हुआ, क्योंकि उसने बोला कि यार हमें तेरे पे भरोसा है, यू हैव डिलीवर्ड वंस इन शनि, तूने इतना अच्छे से किया है। मेरा पहला अवार्ड मुझे मिला था कर्मफलदाता शनि के लिए एक्टिंग का, वो भी मुझे बहुत मेमोरेबल है। बट उससे भी ज़्यादा मेमोरेबल सिद्धार्थ का मुझ में वो जो भरोसा उसने दिखाया था वो है। अच्छा, आपके करंट शो को बहुत पसंद किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा, आपके कैरेक्टर को पसंद किया गया है फैंस द्वारा? देखिए, राधा कृष्ण तो शो ही बहुत प्यार से इन लोगों ने बनाया है। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि जब राधा कृष्ण शुरू हुआ था, तो इट वाज मेंट टू बी अ 3 to 6 months का शो। हमें यही बोला गया था, 3 से 6 महीने में शो हम लोग रैप कर देंगे। बट उसको इतना ज़्यादा सक्सेस, उसकी TRPs ऐसे छप्पर फाड़ के उठी थी कि आज तक आप 1000 एपिसोड के ऊपर हो चुके हैं। इंडिया में कितने शोज ही आप बोलेंगे, आई थिंक इट्स ओनली द सेकेंड माइथो एवर जिसे 1000 एपिसोड के ऊपर मिले हैं। अच्छा सर, रियलिटी शोज़ की अगर हम बात करें, तो आपका कोई रुख रियलिटी शो की तरफ आने वाले टाइम पे? जी, मैं रियलिटी शोज़ नहीं करता। आई बिलीव कि मैं जो एक्टर हूँ, एक्टर को ना लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। एक्टर को सिर्फ अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ही लोगों से बातचीत करनी चाहिए। लोग अगर लोग मुझे देखना चाहते हैं असल में, तो वो आपका जैसे इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर देख लें बस। रियलिटी शो में क्या होता है, सिचुएशन डॉक्टर की जाती है, वहाँ मुझे गुस्सा आएगा और वो मैं अपना एक अभद्र रूप दिखाऊँ लोगों को, वो नहीं अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, वेब शोज़ की अगर हम बात करें, तो आजकल सारे आर्टिस्ट जो है वेब सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल, मैं एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि नाम नहीं ले सकते। ये बता सकता हूँ कि एक आज से 15 साल पहले के लगभग बहुत बड़ी हीरोइन थी वो, और वो अभी कम बैक कर रही हैं, शादी हो गई थी उनकी, अभी शी इज़ मेकिंग अ कम बैक। तो मैं उनके ऑपोजिट हूँ, और अभी इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। अगर मैं हिंट दे दूंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बात आ जाएगी। ये कह सकता हूँ कि वो क्या बोलूँ, आमिर खान के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। ओके, हम समझ गए। सर, अगर हम बात करें नवरात्र की, तो नवरात्र आने वाला है, तो क्या कुछ प्लानिंग्स की है नवरात्र को लेकर आपने? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो नवरात्रि की प्लानिंग इतनी ज़्यादा है नहीं, बिकॉज अभी शूटिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। हमारा जो ट्रैक अभी चल रहा है उसमें मैं बहुत बिजी रहता हूँ। उसके अलावा अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है, नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होगी, जिसका नाम है, इंडिपेंडेंट स्टूडियो की फिल्म है, जिसका नाम है मोदी जी की बेटी। तो मोदी जी की बेटी में आई एम प्लेइंग अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, जो कि एक्चुअली फिल्म का हीरो है। सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और उसके लिए हमारा ना देयर इज़ अ 16-city प्रमोशनल टूर विच इज़ ऑलरेडी किक स्टार्टेड। तो कल मैं जयपुर से वापस आया था, आज मैं बॉम्बे सिर्फ इस स्वास्तिक के बर्थडे पार्टी के लिए आया हूँ, कल वापस जाऊँगा उमरगांव, और उसके बाद से फिर गुजरात में ही हूँ। तो सब डांडिया तो जा ही रहा हूँ। सर, ऑडियंस को जाते आते क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों ने इतने सालों तक जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं
ऊपर से बात नहीं करता, दिल से बात करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी ये प्यार देते रहिए। थैंक यू।